मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में बड़वा शहर निधार संगठन सत्य शोधक समाज और विभिन्न महिला संगठनों के संयुक्त तत्वावधान में दिया ज्ञापन। उनके साथ बलात्कार करके सबूत मिटाने हेतु जिंदा जला दिया गया। बड़वा क्षेत्र की मात्र शक्ति में बहुत ही आक्रोश व्याप्त है। इस घटना की कठोर शब्दों में शेरनी दहाड़ संगठन और सत्य शोधक समाज संगठन और मातृ शक्ति के विभिन्न संगठनों ने एकजुट होकर माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन देकर आक्रोशित रैली के रूप में तहसीलदार को देकर घोर निंदा की और इन हत्यारों को चौराहे पर फांसी देने की पुरजोर मांग की। शाम 5 बजे ज्ञापन दिया गया। वर्तमान देश के हालातों से लगता है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है और भययुक्त वातावरण में घुटन भरी सांसें ले रही है। आखिर कब तक ऐसा होगा? कब तक कुंठा का जीवन जिएगी? अब नारियां सुकून का जीवन जिएगी? कब मिलेगा न्याय? बड़वा से रफीक मुंडा की रिपोर्ट। डॉक्टर प्रियंका रेड्डी जिसके साथ में बलात्कार करके उसे जिंदा जलाया गया, उसके संबंध में हमने रैली निकाली कि हमारी किसी भी माता बहने या हमारी बेटियों के साथ इस प्रकार की घटना न घटे, तो उसकी सुरक्षा के लिए मांग रखी है हमने। आगे कोई हिम्मत ना करे, यदि बलात्कारियों को उन्होंने जो किया है रेड्डी मैडम के साथ ऐसा क्या ऐसा उनके साथ भी वैसा हो, तो आगे कोई हिम्मत ना करे कि किसी माँ बहन तरफ ऐसा इस तरीके से देखे नहीं और ऐसा अत्याचार ना हो। और हम शासन प्रशासन को भी मैसेज देना चाहते हैं कि जिस तरह पिछले बार भी से कोई बार दिल्ली में भी निर्भया कांड हुआ था, उन लोगों को भी अभी तक कोई फांसी नहीं दी गई है, उम्र कैद कोई सजा नहीं होती है। हम चाहते हैं उन्हें भी जिंदा उसी तरह जलाया जाए जिस तरह हमारी बहन को जलाया गया है। तो हमारा ये मैसेज शासन प्रशासन तक भी जाना चाहिए और ऐसा कड़ा कानून बने महिलाओं के प्रति कि दोबारा किसी पुरुष की ऐसी हिम्मत ना हो कि हमारी बहन के साथ ऐसा गलत कार्य हो। फांसी हम चाहते हैं कि फांसी हो, लेकिन फांसी भी ऐसी हो कि सरेआम होना चाहिए, बिल्कुल राइट, ताकि और कोई भी आपको इस प्रकार की कोई हिम्मत ना करे, जो भी देखे उनकी रूह कांप जाए, इस प्रकार से फांसी होनी चाहिए। तो मैं नहीं चाहते रैली के माध्यम, हम इस रैली के माध्यम से संदेश देना चाहते कि हमारी माताएं बहनें महिलाएं मेरी बेटियां जो पढ़ने जाती हैं छोटी छोटी बालिकाएं उनके साथ बलात्कार न हो और फांसियों बलात्कारियों को फांसी की सजा दी जाए। जिस प्रकार उनके साथ हुआ है मेरी बेटी के साथ उसी प्रकार उनको जिंदा जलाया जाए। हम इस माध्यम इसके समाचार के माध्यम से संदेश देना चाहते। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।